बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर बैक इन लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड। और गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं भाई चैंपियंस ऑफ गलार्ड वाले मिशन पे। यही है ना इसका नाम, चैंपियंस ऑफ बलार्ड, सॉरी गलार्ड नहीं, बट या तो हम लोग इस वाले मिशन पे जाएंगे, देखेंगे भाई जरा क्या है इसके अंदर। मैंने गाइस ट्रायल ऑफ स्वॉर्ड कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से, उसमें तीन एक्चुअली लेवल्स थे, वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और भाई मैं क्या बताऊँ यार, मतलब हद ही मुश्किल था भाई, हद ही मुश्किल था, बिल्कुल भी इजी नहीं था भाई। यहाँ तक कि सेकंड लेवल जो थी, मीडियम वाली लेवल, उसमें भी आसानी नहीं हुई भाई इतनी। थर्ड वाली तो मुश्किल थी फाइनल वाली लेवल, पर भाई सेकंड लेवल भी बहुत मुश्किल थी। अब मुझे लग रहा है कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, क्योंकि उसका एंड बहुत सही हुआ था भाई। जब सारी की सारी लेवल्स खत्म कर लेते हैं ना, तो एंड बहुत सही होता है। थोड़ा सा मैं दिखा सकता हूँ तुम लोग को, और फाइनल वाले में तो भाई लाइनल वाइनल को भी हराना पड़ता है। इतने सारे मतलब ये आते हैं क्या, रोबोट्स वगैरह आते हैं, मतलब दिमाग खराब हो जाता है भाई। पर कर लिया भाई हमने किसी तरीके से, ये अच्छी बात है। तो चलो भाई चलते हैं श्राइन ऑफ रिजरेक्शन पे, क्योंकि वहीं पे हमें जाना है। और एक्चुअली पता है, डीएलसी लेने पे एक और चीज़ मिलती है तुम्हें, तुम ये देख सकते हो हीरो पाथ मोड। तो इससे मैंने जितना भी मतलब क्या ट्रैवल किया है ना इस मैप में अभी तक, वो सारी चीज़ें मार्क की जाती हैं भाई। तो ये देखो भाई तुम, ये अभी तक की मेरी पूरी जर्नी है भाई लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा में। और ये तुम नीचे बार देख रहे हो ग्रीन वाला जो आधा भरा हुआ है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि आधे फुटस्टेप तो अभी और काउंट कर सकता है ये। तो इतना ज़्यादा मतलब मेमोरी है इस चीज़ के अंदर, तो ये तो काफ़ी सही चीज़ है भाई। और मैं लिटरली स्टार्टिंग से अपनी जर्नी देख सकता हूँ भाई, देखो ये मेरी जर्नी रही है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है आई थिंक मैंने, ओ भाई काफ़ी मरा भी था मैं लग रहा है। इसको एकदम से फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा दिखाता हूँ तुम लोग को। तो ये यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में वो हमने पहली श्राइन करी थी, फिर हम लोग थोड़ा पीछे आके वो बुड्ढे अंकल से हमने बात करी थी टेंपल ऑफ टाइम पे। आई थिंक मैं FFG के साथ ट्राई कर रहा था आइस वाली जगह पर जाने का, आई एम प्रीटी श्योर ऐसी को चल रहा था। पर खैर चलो, टाइम पास बहुत हो गया, टाइम पास भाई बाद में कर लेंगे। लेट्स गो टू द श्राइन ऑफ रिजरेक्शन एंड लेट्स सी कि भाई क्या है हमारे लिए वहाँ पे। और बाई द वे भाई, ट्रायल ऑफ स्वॉर्ड जो है उसको करके हमें एक बहुत ही सही चीज़ मिली है कि हमारी जो मास्टर स्वॉर्ड है ये हमेशा ग्लो करती रहेगी भाई, मतलब हमेशा फुल पावर पे रहेगी। पहले फुल पावर पे नहीं रहती थी ना हमेशा, एक्चुअली बताए मज़ा कब आता है, 60 पावर पे तो है ये कभी भी, पर जब हम लोग गैनन के गू के पास जाएँ, गैनन के बंदों के पास जाएँ, तो फिर भाई 120 हो जाए पावर, डबल हो जाए भाई, जैसे कि पहले होती थी, पर वो थोड़ा ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाता। नेवर माइंड, लेट्स गो, लेट्स सी भाई कौन से पेडेस्टल में हमें डालना है ये अपना शीका स्लेट। ये वाला है क्या, आई थिंक ये वाला ही। अब क्या होने वाला है भाई, मेरे को वापस से सील मत कर देना भाई प्लीज, दैट वोंट बी गुड। चैंपियन वेरिफिकेशन, ओके, ओ एसोसिएटेड लोकेशन हैव बीन मार्क्ड ऑन द मैप, ओके। वेल काफ़ी पास में लोकेशन हैं, तो उतनी कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ओ भाई कौन आ गया, ओ व्हाट इज दिस मैन, त्रिशूल, अरे भाई साहब, ओके, टेक होल्ड ऑफ द प्रोवाइडेड वेपन टू बिगिन द ट्रायल। ओ भाई ये क्या त्रिशूल है ब्रो, गाइस ये कुछ अलग मजा आने, ओ ओ भाई, 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 ओके, होपफुली मेरे पास इनफ हार्ट्स हैं, कम ऑन मैन, ओ आई थिंक आई हैव इनफ हार्ट्स, नो आई डोंट, वेट व्हाट, ओके, आई एम मैस कोशिया, टू अंडरटेक दिस टास्क रिक्वायर्स अनवेवरिंग डेडिकेशन। ये क्या कर रहा है भाई, मेरे को अभी से डर लग रहा है भाई इस बंदे से, कौन करा रहा है श्राइन ये। द वेपन डिफीट्स फोर्स विद वन हिट, हाउएवर द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू एज इट्स यील्डर विल बी ऑन 1 HP, आई थिंक बोला उसने, एबिलिटी ओनली ट्वाइस विद इन अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। ओ भाई साहब, व्हेन इनफ टाइम पासिस द वेपन विल रीगेन इट्स शीन अलॉन्ग विद इट्स पावर। अच्छा तो ये कुछ मास्टर स्वॉर्ड जैसे ही है, पर भाई ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है भाई।
एट द फोर्थ मार्क लोकेशन विद इन द ग्रेट प्लेट्यू डिफीट ऑल मॉन्स्टर्स प्रेजेंट टू यू प्रूव योर पावर. ओके, पर मैं इससे क्यों करूं भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज है. इफ यू आर नॉट अप टू द चैलेंज लीव दिस प्लेट्यू द वेपन विल रिटर्न हियर एंड द ट्रायल विल एंड. अच्छा डूड, दिस इज क्रेजी मैन, दिस इज फ्रिगिन क्रेजी मैन. वन इट ऑब्लिटरेटर, नो वे भाई, भाई इन्फिनाइट लिखा हुआ है भाई वहां पे, इन्फिनाइट. अ वेपन दैट डिफीट्स फोर्स विद वन हिट एंड कॉजेज द यूजर टू डाई फ्रॉम वन हिट. जैसे को तैसा वाला सिस्टम है भाई यहाँ पे, अगर तुम मर रहे हो वन हिट से तो भाई सामने वाला भी मर रहा है. इट लूजेज इट शीन एंड पावर आफ्टर टू कॉन्जिक्यूटिव यूजेस बट विल इवेंचुअली रीगेन बोथ. ओ मेरे वेपन्स कहाँ हैं भाई, मेरे पास है ना वेपन्स, क्यों नहीं है क्या? ओ आई डोंट थिंक मेरे पास वेपन्स हैं अभी. ओ नो, आई मीन आई थिंक आई डू हैव वेपन्स पर मैं यूज़ नहीं कर सकता उनको, मेरे को भाई वन हिट ऑब्लिटरेटर यूज़ करना पड़ेगा. ओके वेल यू नो वॉट, आई एम अप फॉर द चैलेंज बॉय, लेट्स गेट स्टार्टेड. भाई ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्रो. और अरे मैं बॉम्ब लॉन्च नहीं कर सकता भाई, मेरे को सही याद आ गया, मैं यहाँ से बॉम्ब लॉन्च करने वाला था. मैंने बॉम्ब लॉन्च गाइस काफ़ी प्रैक्टिस करी और मैं अब चलते चलते कर लेता हूँ, तो मैं बस दौड़ के करने ही वाला था भाई बस. सही में भाई, चलो बच गए भाई, बच गए. ओके यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे कौन से मॉन्स्टर्स बैठे हुए हैं? वेयर यू एट मॉन्स्टर्स, आई एम हियर. यार यू नो वॉट, आई काइंड ऑफ डोंट वॉन्ट टू यूज इट ऑन देम. अगर कुछ तगड़ा बंदा होगा तो मैं ज़रूर कर लूँगा. अरे ये लोग हैं क्या भाई, इन पे नहीं करना भाई मुझे, इन पे तो मैं नॉर्मली यूज़ करूँगा, इन पे यूज़ नहीं कर रहे भाई. मतलब वैसी पावर, मतलब उसने बोला ना कि पावर वेस्ट हो जाती है तो इसलिए नहीं करना है भाई. अरे यार यहाँ पर बैट्स आ रहे हैं क्या? आई फ्रिगिन हेट बैट्स मैन, आई रियली हेट बैट्स यार, और बैट्स मुझे एक बार में मार देंगे. ओके आई थिंक आई गॉट अ यूज दिस दिन, बैट्स को मारने के लिए यूज़ करने वाला हूँ मैं. विल दैट इज क्रेजी बट या ओके थैंक यू. आई थिंक यहाँ के होने वाले बस ज़ॉम्बीज, मतलब ये बंदे ख़त्म. अच्छा इनका तो पूरा बेस ही बचा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ भाई यहाँ पे, बेस तो खाली करना पड़ेगा इनका. ओके एक तो ये गया. ओ नो दैट वॉज वेरी क्लोज फॉर कम्फर्ट, That was insanely close. Okay, one hit obliterator. Thank you. यार रिचार्ज टाइम काफ़ी कम है इसका, मतलब क्योंकि मैंने उसको एक मारा. आई थिंक कंसिक्यूटिव यूज़ करूँगा तो, हाँ वो बोल रहे थे ना, अगर कंसिक्यूटिव यूज़ करोगे तो गलत होगा, पर वैसे मतलब कोई दिक्कत नहीं है. इसके ऊपर बैठे थे लाड़ साहब भाई, इसके ऊपर बैठे हुए थे मजे से, क्या बात है भाई. आई थिंक ओ नो बड़ा एनिमी आएगा क्या? ओके ऑफकोर्स बड़ा एनिमी आएगा. ओ वेट नहीं, ये क्या है? ओके कुछ तो भाई अजीब सा खुल रहा है भाई. व्हाट द हेल इज द श्राइन मैन. आई थिंक इसका रिचार्ज टाइम गाइस एक्चुअली काफ़ी कम है यार, बहुत ही कम है. ओके ये कुछ तो श्राइन खुली है, आई हैव नो क्लू भाई क्या होने वाला है, बहुत ही अलग सी श्राइन लग रही है. बट या ओनली वन वे टू फाइंड आउट मैन, लेट्स हेड इन बॉय, लेट्स फ्रीकिंग हेड इन. वैसे भी हमारे पास भाई है वन हिट ऑब्लिटरेटर, कोई क्या ही कर लेगा ब्रो, क्या ही कर लोगे. कलेक्टेड सोल्स, अरे क्या ही कर लोगे, हैं कर लोगे क्या कुछ तुम? एक्चुअली हील नहीं कर सकता क्या मैं बस एक बार ऐसे ट्राई करना चाहता हूँ भाई, बस ऐसी थोड़ा मजे के लिए. ओके या कोई फायदा नहीं भाई हील करने का, वो अपने आप ही वैसे HP कम कर देगा. ओके अब मुझे ये समझाओ कि भाई करना क्या है मैं यहाँ पे, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई. आई हैव नो क्लू वॉट इज़ हैपनिंग हियर. वहाँ पे चेस्ट आ रही है, गिर रही है चेस्ट, उसमें क्या हो रहा है ये? तो ये क्या है भाई, इससे अंदर से कुछ होता है क्या? कैसी दिया हुआ है इन्होंने ये, इसको मैं इस पर रख सकता है क्या? ओके आई थिंक आई कैन कैच समथिंग विद दिस, आई एम गेसिंग कुछ तो है जो कि हम कैच कर सकते हैं. मे बी वी कैन कैच द बॉल. ये वाली बॉल नहीं, ये वाली बॉल भी नहीं, हमें कैच करनी ये वाली बॉल. हाँ आ जा. अरे आ गई. डिड आई कैच इट एक्चुअली? ओके निकल गई भाई, निकल गई, फिर से कैच करना पड़ेगा. आ जा. ओ आ गई एक्चुअली, सही में. ओ शिट यार मैं जल्दी कर देता हूँ. आ जा. ओके इस बार आई भाई, आराम से करेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं. ओके चलो आ गई बॉल, लेट अस गो मारियो.
अरे इसमें तो बहुत बड़ी बॉल लगेगी, ये कौन सी छोटी सी बॉल ले आया मैं? ओ भाई आई अंडर एस्टिमेटेड द बॉल साइज ब्रो। ओके गिव मी अ बिगर बॉल दिस टाइम। भगवान के नाम पे कुछ दे दे रहे बाबा, बॉल दे दे रहे हमको। इसमें आ पाएगी बॉल इतनी बड़ी? ओ शिट आ जाएगी यार, एक्चुअली आ जाएगी, आ तो जाएगी, इट विल बेयरली मेक इट ब्रो, इट्स सो बिग। ओके इस बार शायद इधर आएगी बॉल। ओ ओ ओ अरे यार कम ऑन ओके थैंक यू। अरे यार बड़ी वाली बॉल गलत टाइम पे आ जाती है भाई। ओके कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके डोंट फॉल प्लीज, देयर वी गो। और चलो भाई ये हुई ना कुछ बात। अरे छोटी वाली बॉल है जो कि पीछे लगने वाली है, तो उसको भी कैच करना पड़ेगा। व्हाट्स इन दिस बॉय, व्हाट्स इन दिस? ये श्राइन इन्होंने दी क्यों है हमें पहली बात तो भाई? ये और श्राइन कहाँ से टपक पड़ी ब्रो? ओके इससे भाई ये खुल जाएगा, देखते हैं भाई क्या कुछ अलग ही चैलेंज मिलने वाले हैं इसमें, क्योंकि ये थोड़ा करना एक्चुअली मुश्किल था। मैं यहाँ पे दो तीन बार तो मरा हूँ भाई, क्योंकि इतनी सी हेल्थ है और वो बॉल तुम्हें टच करती है ना तो तुम सीधा मरते ही हो यार। तो चलो कोई ना कोई ना, इससे हमें ऑब तो नहीं मिलेगा तो मुझे पता है भाई, ऑब तो इससे नहीं मिल सकता। मिलता है सीरियसली? ओ भाई ओके, मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लगा लाइक स्पिरिट ऑर्ब्स मेन गेम का ही हिस्सा है तो वो नहीं मिल सकते और, पर अपेरेंटली मिल सकते हैं। वेल नेवर माइंड, ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो भाई अब टाइम है दूसरे वाली पे जाने का, जो कि है इधर साइड। इस पे चलें क्या पहले? इस पे चलते हैं चलो, या एक्चुअली इस पे जा सकते हैं क्योंकि ये नीचे साइड ही है तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। चलो लेट्स गो ऑन दिस गए। और वैसे ही मैंने अपने हॉर्स पे भाई एंशिएंट सैडल लगा लिया, तो अब मैं इसको लिटरली कहीं भी बुला सकता हूँ भाई, मतलब बहुत ही ओपी चीज़ है भाई ये। अरे भाई पुरानी यादें ताज़ा हो गई भाई ये करके, तो यहाँ पे पहले कितना घूमे थे भाई हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे यहाँ पे। एक्चुअली हम लोग एक कोरॉक कर सकते हैं, ये मैंने किया नहीं है। ये भी यहाँ पे भी कोरॉक है, अरे काफ़ी कोरॉक है इधर तो। ये फोड़ा नहीं भाई मैंने वो, भाई पता नहीं क्या क्या नहीं किया भाई मैंने, उस टाइम पे गेम चालू ही किया था तो कुछ समझ में आता ही नहीं था भाई कि क्या क्या कर सकते हैं। ओ वेट व्हाट, मैंने अभी नोटिस किया कि लोगों ने मेरी पावर्स वगैरह भी ले ली हैं, अर्बोसा फ्यूरी वगैरह। ओके यहाँ पे भी काफ़ी बंदे हैं, कुछ कुछ तो हॉर्स पे भी हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत होने वाली भाई। आई थिंक वी विल गेट देम, आई थिंक वी विल गेट देम मैन, नो प्रॉब्लम। ओ नो दिस गाय इज गोना बीट मी, दिस गाय इज गोना बीट मी। ओ नो ओके बच गया मैं एक्चुअली। ओके दैट गाइस गोना बीट मी। मेरे पास लाइनल का एक्चुअली ये पड़ा हुआ है पर मेरे को यूज नहीं करना। मैं गया यार, उसने आग फेंक दी भाई। यार मेरे को पता नहीं चला अभी तक कूल डाउन कितना है, अगर कूल डाउन सही में काफ़ी कम है ना तो मैं तो यूज कर लूँ भाई। ओके इन्होंने अच्छा सेव पॉइंट दिया भाई हम लोग को, नाइस। अरे यार मिस कैसे हो गया भाई, मिस कैसे हो गया भाई? ओहो 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 पीछे आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। रुकेगा नहीं तू है? पहले तेरे को ही मारूंगा मैं, बहुत हो गया भाई तेरा। और इसको भी मारते हैं भाई, इसको भी मारते हैं, ये भी गया। ओके कूल डाउन पे है क्या अभी? ओके हो चुका है भाई कूल डाउन, थोड़ा सा ये बहुत ही कम है, मतलब कूल डाउन तो एक तरह से ये समझ लो मतलब ना के बराबर ही है एक तरह से। चलो ये भी गया। अरे वे तो भाई ये काफी फनी चीज होगी यहाँ पे, मारना तो राइडर को चाह रहा था पर लग गई भाई हॉर्स के ऊपर। ओके देयर वी गो, इससे भाई कम से कम हॉर्स पे नहीं पड़ेगी। और फिर इसको मैं एक्चुअली आराम से निकाल पाऊंगा, आराम से क्या, एक्चुअली निकाल रहे हैं तो इससे ही निकाल दो। गया ये, उस आर्चर की दिक्कत है बस, अगर उस आर्चर ने एक भी शॉट मार दिया मेरे पे तो मैं गया भाई काम से। ओ नो ओके उसने अपने ही बंदे पे मार दिया भाई, कितना ये एक्चुअली भाई मतलब दिमाग खराब करने वाली चीज़ है यार। तुम्हारे पास सबसे ओपी चीज़ है इस गेम में पर फिर भी फट रही है भाई मेरी। ओके चलो आर्चर गया भाई, अब थोड़ा चैन आ रहा है मेरे को, अब थोड़ा चैन आ रहा है भाई। चलो ये भी गया। ओ दे वी गो, दिमाग खराब करने वाली चीज़ है भाई। ओके देन एक और श्राइन इरेक्ट हुई है, इसको भी फटाफट करते हैं भाई। आज सोच रहा हूँ सारी की सारी श्राइन कर ही देंगे पर मेरे को लग नहीं रहा कि इतने से होगा मतलब काम। आई डोंट थिंक दैट इज द एंड ऑफ इट राइट। वो ये तो टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होने वाली है क्या, मेजर टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ? अरे भाई प्लस भी लिखा है लास्ट में, प्लस भी लिखा हुआ है भाई, क्या मरवाओगे क्या तुम? एक्चुअली बात देखी जाए अगर मैंने उसका एक अटैक बस मैंने कर दिया डॉच
जो कि मैं कर ही लूंगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं उसको मार सकता हूँ भाई, तो आई विल हैव अ प्रीटी गुड चांस ऑफ डिफीटिंग हिम। तो बस ये स्टार्टिंग में लेजर अटैक करता है बॉयज, तो उसके लेजर अटैक से मुझे को बचना है। निकलो 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 निकलो, ओके सो दिस शुड बी फाइन, दिस शुड बी फाइन, एंड ओके हो गया भाई इसका काम। चलो लॉल भाई, वहां पे लिखा था वहां पे लिखा था मेजर टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ प्लस, मेरी फट गई भाई। ओ यहाँ पे, यो माय गॉड, ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं यहाँ पे लाइक वेपन्स के आगे प्लस प्लस लिखा हुआ है। वैसे प्लस लिखा रहता है कई बार, पर इस केस में प्लस प्लस लिखा हुआ है भाई, क्या बात है। ओके सो वी गोना थ्रो दिस अवे, एक्चुअली कुछ बेकार चीज रखने में थोड़ा सही रहता है क्योंकि पैरी करने के काम आती हैं यार, पैरी में क्या है ना ड्यूरेबिलिटी लगती नहीं है, तो उस टाइम पर काम आती हैं। अरे शील्ड्स में रख क्यों नहीं सकता, एक्चुअली शील्ड तो मैं रख सकता हूँ। ओके मैं गलत देख रहा हूँ, शील्ड के लिए तो भाई मेरे पास है स्लॉट। ओके इसके लिए नहीं है क्या मेरे पास, इसको फेंको यार, इसके लिए होना चाहिए भाई स्लॉट बिल्कुल से। क्या इजी पीजी चीज थी ब्रो ये, क्या इजी पीजी चीज थी। पर ये सामने कुछ, ये क्या है सामने, ये तो सामने तो है नहीं भाई, वो जो हमें स्पिरिट ड्रॉप देता है ये तो कुछ और ही चीज है ब्रो। ओके वेट व्हाट, ओ एक और आएगा क्या, आई थिंक एक और आएगा, ओ कुछ तो और आएगा, क्या आएगा भाई। नहीं वो आया ही, कुछ भी नहीं आया एक्चुअली, प्लेटफॉर्म ही नीचे चला गया। ओ ओके वेट व्हाट, हाँ लुक्स लाइक अभी पजल खत्म हुआ नहीं है भाई, अभी और बचा हुआ है। और ये छुटकू कीड़े क्यों दिए भाई इन्होंने हमें, ये बहुत परेशान करते हैं भाई। एक्चुअली मर तो एक ही में जाते हैं, ये देखो एक ही मर जाते हैं ये लोग, पर इनसे भी अगर एक भी पड़ गई तो हम गए भाई काम से, तो बच के रहना पड़ेगा भाई इनसे अभी। अब ये घूम रहे हैं यहाँ पे, इसको तो एरो मार मार के मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, एरो से ही काम हो पाएगा इनका। ओ शिट ये तो असली है, ये तो असली है, ओ शिट मैं भाई घुसने वाला था उसमें। ओके चलो पैरी सही से करना है भाई, आई मीन डॉज एंड देयर वी गो। चलो एंशिएंट कोर्स भाई मस्त मिल रहे हैं यार, क्या बात है, एंड देयर वी गो। ओके की तो हमें मिल गई है, आई थिंक इधर ही कहीं पर डोर भी था जहां तक मैंने देखा था, अच्छा सामने ही तो था मेरे। ओ लॉल भाई मैं भी क्या आदमी हूँ। ओके चलो निकलते हैं भाई यहाँ से, अफकोर्स मेरे को लगा ही था मतलब इतना ज़्यादा आसान अगर हो जाएगा तो भाई क्या क्या ही मजे आएंगे। अरे ओरे ओके ओके ओके, ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने, ज़्यादा बक रहा हूँ मैं, ठीक है समझ गया भाई मैं ज़्यादा बक रहा हूँ, समझ गया भाई समझ गया मैं समझ गया मैं समझ गया, मेरी गलती है मेरी गलती है। इससे काफी आसानी से लोग मर जाएंगे, और ये भी गया बस, तो अब तो ये भी जाएगा, ये भी क्या कर लेगा। चलो एक और मारना है बस इसको, देयर वी गो नॉइस। चलो अब और कोई तो नहीं है, सब सेट है ना मामला, चलो लग रहा है अब सब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके देन बॉयज लेट्स गो, दिस इज आल्सो कंप्लीटो। ओके दो और बचे हैं, तो पहले ये वाले को कर लेते हैं, ये थोड़ा सही रहेगा भाई पीछे वाला। अरे भाई इधर तो आते से ही मर जाऊंगा मैं, ओ भाई यहाँ पे आते से ही ठंड लगने लगी, अभी मर ही जाता भाई मैं। इधर आर्मर पहनना पड़ेगा हम लोग को ठंड वाला। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब इधर तो बारात लगा रखी है भाई इन लोगों ने, क्या बारात है भाई ये, बहुत बंदे हैं यार, अरे बहुत बंदे हैं बहुत बंदे हैं बहुत बंदे हैं बहुत बंदे हैं, आई डोंट नो इफ आई कैन एक्चुअली डू दिस। ओके चलो इसको तो मार दिया, चलो ये लोग आपस में लड़ेंगे, तब तक भाई मैं रिचार्ज करता हूँ और वी कैन। ओ नो 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 नो, ओ माई गॉड देर आर टू मेनी पीपल हियर यार, ये थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा भाई, कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं भाई इधर यार। मैं एक्चुअली एक ये चीज़ ट्राई करने वाला हूँ, मुझे एक आर्मर सेट मिला था जिससे कि मैं फ्रीज नहीं होऊंगा बिल्कुल भी, तो लेट मी एक्चुअली ट्राई दिस, क्योंकि लाइक सुनने में तो काफ़ी औसम लग रहा है, देखते हैं भाई। ये मेरे को मार सकता है ऑफकोर्स अब, पर मेरे को फ्रीज नहीं कर सकता, तो चलो भाई ये हुई ना कुछ बात, लेट्स गो। एक्चुअली काम करते हैं, फायर एरो तो रख ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एकदम तेज तेज दौड़ने वाले जो बंदे होते हैं ना, क्या नाम होता है उनका, वो भी फायर एरो से काफ़ी जल्दी मर जाएंगे। हाँ ये खुद पिघल जाते हैं भाई, कतई पिघल जाते हैं वो लोग,
इन लोगों को भाई अब मुझे लग रहा है कि उससे मारना पड़ेगा हमें. ओके लेट मी एक्चुअली यूज अ बॉम्ब एरो फॉर दिस फेलोस. देयर वी गो एंड देयर वी गो. उसको भी गिराते हैं जरा. ए बेटे ये ले. यहाँ पे कितने बंदे बचे हुए हैं. यहाँ पे एक ये और ये बचा है बस. चलो इससे ये हो जाएगा और इसको हम लोग आराम से मार पाएंगे. और कोई आई थिंक इधर नहीं बचा है सिवाय इस पपलू के. ओके अब भाई बस बची हैं तो बची हैं ऊपर. भाई मार ही देंगे इनको भी. इनका भी क्या ही है भाई. इसको बस स्टन करना है एक बार और बस हो गया काम अपना. इसके साथ भी यही करेंगे. अरे भाई और ओ इसके पास ये है क्या. शिट भाई ओहो ओ माई गॉड भाई. ये जितने भी सिल्वर वाले बंदे होते हैं ना गाइस ये होते हैं तगड़े. ये होते हैं कतई तगड़े. ये जल्दी चार्ज करते हैं बो को. ये बहुत जल्दी दौड़ते हैं भाई. मतलब बहुत तगड़े होते हैं भाई. तो इससे थोड़ा बचना पड़ेगा भाई. उसको ही एक्चुअली सबसे पहले मार रहा हूँ फिर मैं. ओके आई थिंक आई हैव डन इट वन. या देयर वी गो. नाइस. वही है भाई वाइट वाले को मैंने थोड़ा स्टेल्थ करके निकाला है भाई जिससे थोड़ा हो जाए भाई वो. नहीं तो वो मारे जा रहा था यार बार बार. पर चलो हो गया भाई. इस ट्रेन को भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से. एंड आई होप ये भी कुछ ऐसे टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह हो जिससे जल्दी जल्दी हो भाई. ओ भाई इधर तो पूरा अंधेरा हो रखा है. पूरे का पूरा अंधेरा हो रखा है ब्रो. पाथ ऑफ लाइट. ओके आई मीन आई गेस अगर मैं इसको निकाल के रखूँ इट्स गिविंग सम लाइट एटलीस्ट. भाई बंदे ना हो यार क्योंकि मेरे को सीरियसली कुछ नहीं दिख रहा है भाई. आई एम गेसिंग मेरे को बस ऐसे निकलते जाना है और क्या. उससे ज़्यादा क्या ही कर लूँगा मैं. और मुझे देखना है कि भाई किधर साइड जा सकते हैं हम लोग. हमेशा डक करके जाना पड़ेगा इधर आई एम गेसिंग. पता नहीं. ओके यस यस यस. चलो 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 चलो. और ये वाली लाइट जो है ये ऊपर नीचे हो रही है भाई. इसको देख के जाना पड़ेगा हमें. ओ ओ शिट. ओ भाई क्या बचाऊँ मैं. बहुत ही गलत बचाऊँ भाई. चलो ओके वेर आर वी नाउ. इधर साइड चलते हैं. कोई गड्ढा वड्ढा ना आ जाए बस बीच में. माइनक्राफ्ट वाले काम ना हो जाए मेरे साथ. ओके यहाँ पे कुछ तगड़ा हो रहा है भाई. इसको भी कर ही लेंगे हम भाई. इसकी कोई बड़ी बात नहीं है. सब चीज़ों में पैटर्न होता है. इसमें भी पैटर्न है. ओ भाई बच गए. बच गए भाई. ओ नो बॉम एरो नहीं. बॉम एरो नहीं. बॉम एरो नहीं. ओके देयर ही गोस. एक और भाई. कितने. अरे एक और भाई. कितने भाई. ओके मेरे को नहीं पता भाई. आते जा रहे हैं ये लोग तो. चलो इधर साइड जा सकते हैं हम लोग. ओ हो गया. पता नहीं क्या श्राइन थी ये. बहुत ही अजीब सी श्राइन थी भाई. पर हो गया. चलो मैंने ऑफकोर्स चेस्ट मिस की है. पर छोड़ो यार. यार वैसे पिछली बार चेस्ट मैंने ली थी तो उसमें जाइंट एंशिएंट कोर निकला था. वो तो है भाई. देखता हूँ बाद में आके शायद ले लूँ भाई मैं अगर जाइंट एंशिएंट कोर की ज़रूरत हो तो. वैसे तो नहीं है अभी. चलो भाई अब एक ही बचा है बस जो कि है यहाँ पर. यार मैं फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ क्या. फास्ट ट्रैवल अगर मैं करूँगा तो कैंसिल ना हो जाए भाई पूरा मिशन. या मेरे को एक्चुअली चांस नहीं लेना है भाई. बस बात ये है. ओके सो दिस शुड बी इट. टेक्निकली दिस शुड बी इट. लेट्स सी. कोई पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है कैंप में मेरे को. कैंप खाली क्यों पड़ा है भाई. व्हाट और आगे है क्या. अच्छा ये रहे ये रहे. ओके ओके मैं गलत जगह चला गया था. लेट्स सी हाउ वी कैन डिफीट हिम. आइस. ओके या तो यार ये लोग हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट. ये जो ये वाले जो होते हैं ना है तो बहुत फास्ट. पर ये पोकेमोन की तरह है भाई. एक्चुअली देखा जाए ना तो लोग पोकेमोन की तरह होते हैं. अगर तुम ऑपोजिट वाला टाइप एडवांटेज अपना यूज़ कर लोगे ना तो वन शॉट हो जाएंगे वो लोग. ऐसा होता है. ओके चलो आ जाओ भाई. ओ भाई ये तो मार ही देता मेरे को. ये तो मेरे को मार ही देता ब्रो. ओके कुछ और भाई खतरनाक यहाँ पे. ओ नो. ओ भाई शिट. ओके दिस इज बैड. ओके थोड़ा नीचे आओ भाई. नीचे आओ नीचे आओ. ऑलमोस्ट मरने वाला था मैं उधर. देयर ही गोस. मेरे को नहीं लेने भाई ज़्यादा पंगे. मैं सही बताऊँ मैं थोड़ा फट्टू टाइप का हूँ अभी. इतने ऐसे हार्ट पे भाई कौन पंगे लेना चाहेगा. सीधी बात है भाई. वाइट वाले को मार के मिलता है बहुत है यार माल. वैसे बहुत ज़्यादा माल मिलता है. चलो थोड़ा सा और बचे आई थिंक. बस उनको मार के भी काम खत्म हो जाएगा हमारा. बस
ओके दिस इज द गाय हु इज लेफ्ट। हो गया भाई, आई थिंक यही था लास्ट। या लेट्स गो लेट्स गो लास्ट श्राइन भाई। इसके बाद होता क्या है मेरे को तो ये देखना है यार। ओके हियर इज द लास्ट श्राइन। व्हाट इज दिस अबाउट? स्टॉप टू स्टार्ट भाई, क्या नाम है, क्या बात है भाई, क्या बात है। पर आई थिंक नाम इसका एकदम सही रखा है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो भाई दिक्कतें आने वाली है भाई हम लोग को। ओके लेट मी सी अगर मैं इसको सही से कर पाऊँगा अरेंज। अगर हम लोग इसको यहाँ पर ले आए तो शायद से काम बन जाए। ओके एंड दैट शुड हेल्प राइट देयर। लेट्स सी इफ दिस हेल्प्स। एंड ओह नो, ओ भाई मैं बच कैसे गया? व्हाट, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। और अगर ये मैं सही से रखूं तो शायद से काम बन जाए। ओके ओह नो दिस इज शेकी एज हेल ब्रो, बट ओके वी आर हियर। ऊफ, अरे बाप रे भाई, अरे बाप रे, इसको रोको। और यही कर सकते हैं भाई, और क्या ही करेंगे हम। ओके मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, पर हो रहा है भाई कुछ तो। ओ माय गॉड यार, कितना सही जा रहा था मैं, कितना सही जा रहा था भाई मैं, पता नहीं कैसे, पर मैं भाई बिना मरे जाए जा रहा था बस। ये तो भाई सही बताऊँ, तकेशी इस कैसल वाली फीलिंग आ रही है भाई, पता नहीं। चलो देखते हैं, घुसते हैं भाई और थोड़ा इधर करके। ओ भाई निकल गए, निकल ही गए भाई। स्टेसिस करना ज़रूरी है भाई, बता ये पिछला वाला ज़्यादा मुश्किल था, ये तो कुछ नहीं है, ये वाला तो हो जाएगा। इसमें तो मैं रस्सी भी गिरा सकता हूँ, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं भाई, बस ये है कि रस्सी गिराना थोड़ा। ओके नहीं, रस्सी गिराना भी मुश्किल नहीं है। चलो हो गया भाई, अब मुझे बस कोने कोने से निकलना है। ओके कम ऑन, ओ ओ शिट, ओके नहीं पहुंच पाऊंगा मैं, नहीं। ओके फिर से ट्राई करेंगे। ओ माय गॉड दैट वाज क्लोज, ओ माय गॉड दैट वाज क्लोज यार। तुमने देखा भाई अभी, मतलब पता नहीं कैसे बचा मैं उस बॉल से, पर बच गया भाई। और मुझे लगा था इसके बाद खत्म हो जाएगा, पर अपेरेंटली नहीं, यहाँ पे कुछ और भी है। क्या है भाई यहाँ पे, ये कुछ तो भाई होने वाला है यहाँ पे, पता नहीं क्या, बट लेट्स सी लेट्स गो। सामने है तो सही वैसे श्राइन। अरे नहीं भाई, ये मत करो भाई, ये तमाशा मत करो भाई प्लीज। ओ बाप रे, डोंट टेल मी दिस इज गोना हैपन मैन। ओके दिस इज बैड, दिस इज बैड, दिस इज बैड, दिस इज बैड, दिस इज बैड। डूड हमसे सब करा लो तुम, हमसे सब करा लो तुम, पार्कोर कोर्स वगैरह सब करा लो भाई। ओ माई गॉड, ओके दैट चेंज्ड प्रीटी ड्रास्टिकली, एकदम से चेंज हुआ भाई। और कम ऑन हो जा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, एक बार में हो गया, ओ भाई एक बार में, मैं फिर से नहीं करना चाहता था पूरा यार, सही में मेरा दिमाग खराब हो चुका था कर करके यार। ये सबसे रद्दी श्राइन है अब तक की, ये अब तक की सबसे रद्दी श्राइन है, मतलब रद्दी इन द सेंस है तो बहुत इंटरेस्टिंग, एक बार में हो गई तो तुम खुद को गॉड बोलोगे, नहीं हुई तो ना भाई दिमाग खराब हो जाता है। चलो भाई चारों की चारों श्राइन हो चुकी हैं। आई एम मैस कोशिया, यू हैव डन वेल टू कॉन्कर द ट्रायल्स लेड बिफोर यू, थैंक यू गर्ल आई मीन बॉय या जो भी है तू, यू आर हाइरूल्स बीकन ऑफ होप। अच्छा अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मेरे को इतनी मुश्किलें पढ़वाया तूने अभी। बट योर ट्रायल्स हैव ओनली जस्ट बिगन, द डिवाइन वेपन शैल लीड यू। ओके द डिवाइन वेपन, ओ माय गॉड मैन, ये मेरे को एक्चुअली मिल रहा है क्या? ये मिल रहा है तो सही रहे भाई। इट इज ग्लोइंग, ओ माय गॉड वो टूट गया। डूड व्हाट जस्ट हैपेंड? ओके ओ भाई, अच्छा ये कांड चल रहा है क्या, ये कांड चल रहा है भाई। तो सारे डिवाइन पीस के पास जाके इन्होंने छोड़ दिया ये, और इससे कुछ निकल भी रहा है। अरे बाप रे, इसकी अलग ही सी श्राइन खुल गई है, इसकी गई अलग ही श्राइन है।
ओके देन, वेल कर लेंगे भाई, आई गेस मैं कर लूंगा अकेले, पता नहीं भाई। नाउ दैट यू हैव प्रूवन योर पावर, न्यू जर्नी बिगिंस। गो टू द फोर लोकेशंस दैट विल बी रिवील्ड टू यू एंड रीच फॉर ग्रेट ग्रेटर हाइट्स देन इवन बिफोर। ओके, चार लोकेशंस मार्क्ड हैं। नॉइस, चलो कर लेंगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट या फॉर नाउ आई गेस इतना ही रखते हैं। हम लोग ने भाई काफ़ी कुछ अकम्प्लिश कर लिया भाई, इसकी बड़ी बड़ी ट्रायल तो हमने कर ही ली है। तो अगले एपिसोड में हम लोग ये देख लेंगे भाई, जो भी होना होगा। बट या थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।